सत श्रीकांत जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 ईयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ फिर भी। कितना जो कितनी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 ईयर्स। 75। देखिए कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, कल प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ है, तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था, और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही ऑलिए टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए तुम्हारा जन्मदिन है, तो कितने साल हुए? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो बहुत हंस पड़े, कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे ऐसा ही कर रहे हो, आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए लेने के लिए, सभी लोग खड़े हैं, किधर आए प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको, और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन वॉरियर का, मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा है, नहीं ठीक हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला, और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस मैंने दूसरा डोज लिया। उधर भी सुविधाएं इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया, क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है, इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण को। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए, ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है, आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी? काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत बहुत लोगों ने ऐसा किया, बोले देखो मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को एक दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है,
कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं, एंड विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं, आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृछाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका, और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है, अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम के लिए, काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा काम। मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं, आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछली 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ रहें, आपकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं।